फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रियल क्विक एनालिसिस चैनल। चलिए अब जल्दी से चर्चा करते हैं हम अपने आज के रियल क्विक एनालिसिस की। आज की इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं गजानन हरि पाटिल जी फ्रॉम कोल्हापुर महाराष्ट्र। हमें सपोर्ट करने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, आपको भी याद होगा और हम भी भूले नहीं हैं, 2 सालों पहले जब जम्मू कश्मीर के ऊपर से धारा 370 की काली चादर हटाई गई, तब दुनिया भर की मीडिया और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने कैसे बात का बतंगड़ बनाया था। धरती फट जाएगी, आसमान टूट कर गिर पड़ेगा, इन सभी पढ़े लिखे पप्पू पुजारियों ने पाकिस्तान के पक्ष में प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज इस वीडियो में हम जिस पॉजिटिव डेवलपमेंट की चर्चा करने वाले हैं, उस अच्छी खबर को कवर करने की फुर्सत किसी को नहीं मिलेगी। देश को गाली दे देकर जिन बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने खूब पैसा बनाया है, उन्हें यह अच्छी खबर पक्के से बुरी लगेगी। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि जम्मू और कश्मीर को प्राकृतिक संपदा के मामले में सबसे अधिक धनी राज्यों में गिना जाता है और वहाँ केसर से लेकर सेब और चेरी सभी का हाई क्वालिटी प्रोडक्शन होता है। परंतु फलों के केस में दिक्कत यह आती है कि यदि उनके ट्रांसपोर्ट में समय लगे तो इस दौरान वह खराब हो सकते हैं और सड़े गले फलों के कहाँ अच्छे भाव मिलते हैं। वैसे भी जो आदमी प्रीमियम प्राइस पर फल खरीदने को तैयार है, उसे माल की उच्च गुणवत्ता की चाहिए। इसलिए जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाले पेरिसेबल फ्रूट्स, मतलब कि जिनके जल्दी से सड़ने का खतरा होता है, उनका हवाई जहाज से देश और दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने परवाज नाम की एक सब्सिडी स्कीम लॉन्च की है इसी महीने की शुरुआत में, जिसके तहत फलों की हवाई यात्रा का 25% खर्चा सरकार सब्सिडी के रूप में दे रही है। और इसके लिए वहां की सरकार ने गो एयर के साथ मिलकर दिल्ली, दुबई, शारजहां, चेन्नई, कोलकाता जैसी कई जगहों के प्रति किलो हवाई किराए को 25% घटाकर तय कर दिया है। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि अब जम्मू कश्मीर का किसान अपने फलों को दुबई और शारजहां में बेच सकता है और ऐसा करने में उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा 25% कम होगा, जिससे पहले तो देश विदेश के बाजार में जम्मू कश्मीर के फल सस्ते बिक पाएंगे, साथ में अमीरों के बाजार में ज्यादा मात्रा में फल बेच पाने से किसानों को भी तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ मिलेगा। और यह बात आम अनुभव की होती है कि यदि एक बार मार्केट में पैठ बन जाए और लोगों के मुंह पर कश्मीरी फलों का स्वाद चढ़ जाए, तो फिर वह बाद में उसे महंगे दाम पर भी हाथों हाथ खरीद लेंगे। मतलब यदि भविष्य में कभी 25% सब्सिडी हटा भी जाए तो भी नुकसान होने की संभावनाएं कम होती हैं। और ऐसा नहीं है कि यह सब्सिडी की स्कीम कागजों की कहानी है, बल्कि 158 टन चेरी का एक्सपोर्ट हो भी चुका है। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि हमारे पूरे देश की 95% चेरी का उत्पादन अकेले जम्मू कश्मीर में होता है और इसकी खास तौर पर खाड़ी के देशों में खूब डिमांड होती है। अब आप ही बताएं, इस स्कीम का लाभ क्या जम्मू कश्मीर के किसानों और मजदूरों को नहीं मिलेगा? क्या इससे रोजगार के नए अवसर नहीं खुलेंगे? लेकिन दुर्भाग्य सिर्फ इसी बात का है कि जो लोग दिन रात बेरोजगारी का रोना रोते रहते हैं, उन्हें कभी यह खबर रास नहीं आएगी। धारा 370 के माध्यम से पहले जम्मू कश्मीर को गरीब बनाए रखो और फिर बाद में आम जनता को हमेशा यही गाली दो कि सिर्फ पाकिस्तानी पाठ पढ़ने से भारत से आजादी मिलेगी, तब जाके जम्मू कश्मीर में खुशहाली और तरक्की आ पाएगी। देखिए दोस्तों, आज धारा 370 हट गई और उन्नति और प्रगति खुद जम्मू कश्मीर की तरफ जा रही है। भले ही ऐसी खबरों को दोस्तों आपके लिए कोई कवर ना करे, लेकिन हमारा वादा आपसे है कि पिछले 4 सालों की तरह आगे भी हम ऐसी ही खबरों पर लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे। बस अब आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो सीधा आप तक पहुंचता रहे। अंत में स्पॉन्सरशिप के लिए कोल्हापुर महाराष्ट्र के गजानन हरि पाटिल जी को धन्यवाद देते हुए हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करके आगे शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसे ही और नए एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लास्ट में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत अधिक धन्यवाद।